नए साल में अब से कुछ देर बाद बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। भारत में दवाओं पर निगरानी रखने वाली संस्था DCGI कुछ ही देर में कोरोना वैक्सीन को हरी झंडी दे सकती है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की कोवैक्सीन को मंजूरी देने की सिफारिश की है, जिस पर ड्रग्स कंट्रोलर की भी मोहर लग सकती है। लेकिन अब जो अपडेट मिल रहा है वो ये कि PC की बजाय यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय DCGI की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया जा सकता है। दिल्ली से हमारे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे इस पर अपडेट के लिए। लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें, बहुत बड़ी खुशखबरी आज मिल सकती है। एक्सपर्ट कमिटी ने ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी देने की सिफारिश की है। भारत में कोविशील्ड का प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है, तो वहीं कोवैक्सीन का भारत बायोटेक। और ये दो वैक्सीन जिनको एक्सपर्ट कमिटी की तरफ से हरी झंडी दी जा चुकी है, मंजूर किया जा चुका है, मंजूरी दी जा चुकी है इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए। लेकिन इस सब के बीच DCGI की फाइनल अप्रूवल की दरकार है और यह माना जा रहा है कि आज 11 बजे DCGI की तरफ से इसको लेकर अंतिम फैसला हो सकता है। और इस वक्त हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित पांडे दिल्ली से हैं, जावेद मंसूरी भी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, मनोज शर्मा भोपाल से हैं और दिवाकर सिंह मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले अमित, आपके पास आते हुए बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, स्टेटमेंट जारी होगा। जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर में वक्तव्य जारी होगा और यहाँ पर नेशनल मीडिया सेंटर इसी जगह से होगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI VG सोमानी वक्तव्य जारी करेंगे कि वैक्सीन को लेकर क्या स्थिति है। जो प्रेजेंटेशन दिया है दोनों कंपनियों ने, दोनों वैक्सीन ने, उनकी स्थिति क्या है, कितने आवेदन हैं, ये एक पूरा वक्तव्य होगा। हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में ये वक्तव्य होगा। और इस दौरान सवाल जवाब मीडिया से नहीं लिए जाएंगे। सवाल जवाब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सेशन होता है वो हर मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से होता है। तो ये आज के जो मीडिया इंटरेक्शन का जो पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो ये है। लेकिन हम ये ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं कि आज जब इस देश की सर्वोच्च संस्था जो वैक्सीन के कार्यक्रम को देश में अनुमति देती है, किसी भी दवा को, वो उसके सबसे बड़े शीर्ष अधिकारी यहाँ पर जब बोलेंगे, जब दोनों वैक्सीन के बारे में कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, तो भारत के लिए बहुत बड़ी ये आशा की किरण है। बिल्कुल, भारत के लिए बहुत बड़ी आशा की किरण है। और अब से थोड़ी देर बाद स्टेटमेंट जारी होगा DCGI की तरफ से। अमित, लौटेंगे आपके पास इसके लिए। हमारे सभी सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए क्योंकि पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई है। भोपाल से मनोज शर्मा, जावेद मंसूरी दिल्ली, दिवाकर सिंह मुंबई से। लेकिन सबसे पहले जावेद, आपके पास आते हुए आपके पीछे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, जरा लीजिए तो जरा उनसे रिएक्शन, क्योंकि अब बस फासला कुछ ही पलों का जब फाइनल अप्रूवल, जिसकी उम्मीद बहुत ज्यादा है, किस तरीके से लोगों का लोग देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं वहां के लोग। देखिए बिल्कुल बहुत बेसब्री से इंतजार है, कनॉट प्लेस में हमारी मौजूदगी है। और ये वो लोग हैं पालिका बाजार के आसपास जिनकी यहाँ पर दुकानें हैं, कुछ काम के सिलसिले में आते हैं। कोरोना की दवाई आने वाली है, कितना इंतजार था इस पल का? ये तो काफी समय से इंतजार था सर, मगर अभी तक तो अभी अब आने वाला है। मगर गुरविंद की तरफ से हाँ। ये चीजें हाँ। ना पैसे होकर फ्री में बटनी चाहिए। अच्छा, हाँ जी, फ्री में वैक्सीन होनी चाहिए। आप बताइए, आगे आइए थोड़ा सा, कितना इंतजार था कोरोना की वैक्सीन आने वाली है कुछ देर बाद ही? सर ये वैक्सीन आने वाली है लेकिन अभी तक का तो हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन इसमें जो आप नहीं आई है, थोड़ी बहुत देर में ऐलान हो जाएगा जो भी होगा। दो वैक्सीन जो है वो आ सकती है थोड़ी बहुत देर बाद, क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? मुझे तो खुशी बहुत है और बहुत जल्दी मैं चाहता हूँ कि ये वैक्सीन आ जाए, जिससे हमारी जो जनता हिंदुस्तान की मर रही है उसको थोड़ा सा राहत मिले। आप बताइए कितनी उम्मीद लग रही है? उम्मीद है सर, बहुत ज्यादा उम्मीद है, इससे तो मेरा बहुत फायदा है। हो जाए जल्द, फ्री में हो जाए तो और अच्छी बात है। अच्छा, फ्री में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप बताइए क्या उम्मीद लग रही है? बहुत खुशखबरी हो रही है, जो दवाइयाँ इसकी आ रही है कि हम लोग सोच रहे हैं कि देश के हमारे आदमी बहुत बचे रहे, इससे बहुत खुशी हुई हमें कि दवाई आने वाली है। बहुत ज्यादा खुशी का लम्हा है। दरअसल ये वो दौर था कोरोना का पीक टाइम, जब लोगों ने मुश्किलें झेली, न सिर्फ बीमारी से बल्कि काम धंधों पर भी असर पड़ा। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, कितनी खुशी है बताइए जब वैक्सीन आ जाएगी थोड़ी बहुत देर में? सर खुशी तो बहुत होगी यार, आ जाएगी तो ये दवाई दो।
अच्छा। अगर मेडिकल आ गई तो बहुत खुशी होगी चीज के लिए, तो बहुत खुशी होगी। यहाँ पर और भी लोग हैं, देखिए पालिका बाजार में काम वाले भी बहुत होते हैं, उनसे बात करते हैं। काम पर कुछ असर ये बताइए, क्या कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है, लोगों की तो कमाई मर गई यहाँ पे। हाँ। जो हमारे लोग की पब्लिक आती थी यहाँ पे, हाँ। यहाँ पे हम लोग का कपड़ा बनता था, रोजी रोटी। काम का भी उम्मीद है, काम चलेगा जब वैक्सीन आ जाएगी। देखिए न सिर्फ जान बचेगी, वैक्सीन आएगी उसके बाद जो डर निकलेगा, लोग निकलेंगे, काम धंधे पटरी पर वापस आएंगे, ऐसा लोगों का कहना है। अब से थोड़ी देर बाद जो है वो ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल जावेद लौटेंगे आपके पास दिवाकर। देखिए बहुत सारी समस्याओं का जिक्र अभी भी लोगों के जहन में, और उन समस्याओं को अभी भी लोग फेस कर ही रहे हैं। दिल्ली के तमाम लोगों की बातें आपने भी सुनी होगी, वहां के लोग किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद अब एक बड़ी उम्मीद की किरण है। देखिए गायत्री, मैं एक ऐसे स्टेट में खड़ा हूँ जो स्टेट कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित था, महाराष्ट्र। खासतौर पर मुंबई और पुणे सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके थे, और यही वजह है कि मुंबई करों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है कि वैक्सीन का ऐलान हो ताकि थोड़ी राहत मिले। कुछ मुंबई कर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि कितना इंतजार है कि आज अनाउंस हो सकता है कि देश को वैक्सीन मिल गई है? देखिए हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, और आज बहुत खुशी का दिन है कि वैक्सीन आ रही है। मुंबई जिस तरह प्रभावित था, लोगों की नजर थी मुंबई में सबसे ज्यादा कोविड से लोग प्रभावित हैं, इससे अच्छा लग रहा है कि आज वैक्सीन आ रही है, हम वापस जो है सामान्य जीवन जी सकेंगे। जैसे पहले मुंबई चलती थी उस तरह चलने लगेगी मुंबई। सर कितना इफेक्ट हुआ था कोरोना में, और अब वैक्सीन की खुशखबरी मिलने वाली है, क्या लगता है? सर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र इफेक्ट हुआ था, और मुंबई में जिस तरह से खुशखबरी मनाई जा रही है, जैसे प्यासे को आज जल मिल गया हो, उसी तरह से आज वैक्सीन का अनाउंसमेंट हो जाएगा तो थोड़ी सी मुंबई कर सांस लेंगे कि अब जीवन सामान्य गति से चलेगा। दो दो वैक्सीन मिल रही है सर, क्या लगता है आप कहीं ना कोरोना का डर खत्म हो जाएगा? हाँ खत्म हो जाएगा ना, अभी खुशी की लहर हो जाएगी, खुशी की लहर हो जाएगी। आप बताइए, दो दो वैक्सीन है एक साथ, अब अचानक से अगर ऐलान हो गया और वैक्सीन आने के बाद थोड़ी राहत रहेगी, क्या लोग थोड़ा डर अंदर जो है था कोरोना को लेकर वो खत्म हो रहा है? देखिए डर तो सबके अंदर था, जो मैं वैक्सीन आने से एक तो ये हो जाएगा कि लोग जो है ना कि जो उनके अंदर डर है कि एक दूसरे से मिलते नहीं है, अगर किसी को लगा कि कोई किसी जुकाम है बुखार है तो उससे मिलना बंद कर देते थे लोग, कम से कम वो डर दूर हो जाएगा। और जो आपस में बहुत ज्यादा लोग दूरियां बना लिए थे वो जो है अब वो चीजें खत्म हो जाएंगी, जो है कि अब इसका ट्रीटमेंट आ गया। अभी तक लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इसका कोई उपचार नहीं है, लोग डरते थे कि क्या हो सकता है, मगर अब जब आज अगर अनाउंसमेंट हो रहा है इससे एक तो है कि लोगों के अंदर जो डर है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा, डर पूरी तरह से गायत्री खत्म हो जाएगा। जाहिर तौर पर उम्मीद की एक किरण है मुंबई और पुणे लौटेंगे आपके पास। मनोज आपके पास आते हुए, क्योंकि एक बड़ा संकट, ढेरों समस्याएं जिसका जिक्र आज भी लोग कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक उम्मीद की बड़ी किरण जिस पर थोड़ी देर में फैसला, वहां के लोगों का रिएक्शन क्या है? या भोपाल में मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ ये दुकानें हैं जिस शिवाजी नगर बाजार में हम खड़े हुए हैं गायत्री, यहाँ पर ये वो दुकानें हैं जिन्होंने लॉकडाउन भी रहा है यहाँ पर लोगों को, जब कोरोना हुआ तो पूरे बाजार को 14-14 दिन बंद करने की नौबत आई थी। हम लोग जो आरएमडी से बात करते हैं, आज दो दो कोरोना वैक्सीन की बात हो रही है, ऐलान होने वाला है भारत को दो दो कोरोना वैक्सीन मिल सकती है। अच्छी बात है सर, गुड न्यूज है, मोदी सरकार का बहुत अच्छा अचीवमेंट है कि शॉर्ट टाइम में मेडिकल में इतनी जल्दी वैक्सीन आ रही हैं। आपको उम्मीद थी कि ये 10 महीने मतलब एक लंबा समय था? उम्मीद तो ये भी नहीं थी कि इस तरह 1930 के बाद देश एक कमरे में बंद हो जाएगा, उम्मीद इसकी भी नहीं थी, इसलिए उम्मीद भी तो दुनिया कायम है ना, उम्मीद का परिणाम है कि वैक्सीन आई। और मेरी मतलब यही उम्मीद, यही कोशिश, मतलब यही सोच है कि ये वैक्सीन ज़्यादा प्रभावी हो और लोगों को इसका एडवांटेज मिले, ज़्यादा प्रभावी हो, उम्मीद पर आसमान टिका है। जिन्होंने कोरोना की वजह से, आप लोग तो बड़े दुकानें, आपको पूरा बाजार प्रभावित हुआ था, आपका काम धंधा प्रभावित हुआ, दो दो वैक्सीन की उम्मीद बधी है, आज ऐलान हो सकता है जी, आज दो दो कोरोना वैक्सीन का ऐलान हो सकता है? अच्छा अच्छा, नहीं कोरोना का अभी जो चल रहा है अभी तो काफ़ी कंट्रोल करा पब्लिक ने और आपने, हमने सब ने मिल के, और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में कोरोना समाप्त हो, प्रवासी दुआ करते हैं कि कोरोना समाप्त हो, महामारी जो है चल रही है ये समाप्त हो। 2021 आपको उम्मीद का साल दिख रहा है? 2021 हमारी ये दुआ है, ऊपर से एक प्रार्थना करते हैं हम सब लोग कि सबके लिए खुश हो और मंगलमय हो सबके लिए। ये देखिए 2021 में लोगों की उम्मीदें बढ़ी, और खासतौर पर गायत्री जो एक बात हो रही है ना कि वैक्सीन एक साथ दो दो का ऐलान हो सकता है, तो ये लोगों के मन में एक खुशी का एहसास करा रही है। हम और भी जल्दी से बात करते हैं, दो दो वैक्सीन का आज ऐलान हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, सरकार उसमें बहुत सहयोग कर रही है और ध्यान दे रही है, वैक्सीन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आएगी लोगों को उतना ही ज़्यादा मिलेगा,
और मार्केट भी डेवलप होएगा उसके वजह से। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स की बात हो रही है कि उनको सबसे पहले वैक्सीन मिलेगी। हेल्थ वर्कर्स को बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से साथ संपर्क में रहते हैं और फिर जैसे उनका ध्यान है कि पहले फिर 60 से ऊपर फिर जैसे जैसे मिलती जाएगी सभी को मिलेगी धीरे धीरे। उम्मीद है आप तक भी पहुँचेगी। उम्मीद है हम तक भी पहुंचेगी और उम्मीद के सहारे सब जीते भी हैं। उम्मीद के सहारे सब जीते हैं। बिल्कुल उम्मीद के सहारे सब जीते हैं मनोज, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। और दुकानदारों का रिएक्शन भी बहुत जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि हमने देखा पूरा पूरा दिन निकल जाता था ये इंतजार में बैठे रहते थे कि कब कोई ग्राहक दुकान में घुसेगा, लेकिन वो इंतजार इंतजार बनकर रह जाता था। इस तरीके की समस्याएं कारोबारियों ने भी देखी है, दुकानदारों ने भी देखी है। मनोज लौटेंगे आपके पास, ये भी बताते चले कि ड्राई रन के बाद देश की जनता को प्राथमिकता के हिसाब से वैक्सीन देने की तैयारी भी की जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की इजाजत मिल चुकी है DCGI से अनुमति मिलने और सरकार के औपचारिक ऐलान के बाद कोविशील्ड के साथ कोवैक्सीन से कोरोना को हराने की कवायद शुरू हो सकती है। यानी नए साल में भारत से कोरोना का नामोनिशान मिटाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। नए साल पर वैक्सीन वाला तोहफा कोविशील्ड के इस्तेमाल की सिफारिश। इसी इमारत में घंटों से जारी बैठक के बाद देश को पहली कोरोना वैक्सीन का तोहफा मिल गया। देश में बनी कोविशील्ड पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने मुहर लगा दी। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड की आपात स्थिति में इस्तेमाल की सिफारिश हो गई है। मतलब ये कि नए साल में कोरोना को काबू करने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब सिर्फ वैक्सीन से कोरोना पर अंकुश लगाने की बारी है। दरअसल सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में फाइजर, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट तीनों को एक के बाद एक अपना अपना प्रेजेंटेशन देना था। इस बैठक में जायडस कैडिला भी शामिल हुई। सीरम इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन पूरा होते ही इसकी वैक्सीन कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई। आपको बता दें कि अब तक कोरोना वैक्सीन पर मुहर लगाने वाली सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की दो बैठकें हो चुकी। इन बैठकों में वैक्सीन कंपनियों से कुछ और जानकारी मांगी गई थी। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक कोविशील्ड पर सरकार के औपचारिक ऐलान के बाद देश भर में टीकाकरण की प्रक्रिया किसी भी वक्त शुरू की जा सकती है। हम आपको बताते हैं कि भारत में इस वैक्सीन पर मुहर लगाए जाने की क्या प्रक्रिया है। दरअसल इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी देने का आवेदन किया। इस आवेदन में वैक्सीन को आपात स्थिति में इस्तेमाल की मंजूरी मांगी गई। SII के आवेदन पर एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई। एक्सपर्ट कमेटी ने SII की कोविशील्ड वैक्सीन को आपात स्थिति में इस्तेमाल की सिफारिश भी कर दी है। अब एक्सपर्ट कमेटी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को अपनी रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट पर DCGI मुहर लगाकर सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार वैक्सीन के इस्तेमाल करने को लेकर औपचारिक ऐलान करेगी। We are not very anxious to, you know, start supplying immediately because India comes first and then the private market of India comes along with that or second or simultaneously depending on what permissions government releases us this or next week. And then only we will look at the other countries. ऑक्सफर्ड और एस्ट्रोजेनेका की वैक्सीन को लेकर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उम्मीद की एक नई किरण जागी है, क्योंकि ये वैक्सीन अमेरिका में इस्तेमाल हो रही फाइजर की वैक्सीन के मुकाबले कहीं बेहतर है। ऑक्सफर्ड की वैक्सीन को 0 से 8 डिग्री तक के तापमान पर रखा जा सकता है, यानी घर के रेफ्रिजरेटर में भी ये वैक्सीन रख सकते हैं। लेकिन फाइजर की वैक्सीन को -70 डिग्री के तापमान की जरूरत होती है, इसके लिए कोल्ड चेन बनानी होगी। ऑक्सफर्ड की वैक्सीन की कीमत फिलहाल तय नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि ये बेहद सस्ती होगी, जबकि फाइजर की वैक्सीन की एक डोज की कीमत करीब 3,000 रुपए मानी जा रही है।
ये बहुत बड़ी बात है कि ऑक्सफोर्ड की जो एस्ट्राजेनिका की जो वैक्सीन है उसको अप्रूवल दे दिया यूके ने. यूके के मिलियंस ऑफ लोगों के लिए बड़ी रिलीफ की बात है. देखिए फाइजर के मुकाबले में अगर बात की जाए या और दूसरी वैक्सीन के, ये वैक्सीन बहुत अच्छी है. इसके चार चीजें वैक्सीन में हम देखते हैं. सबसे पहले एफिकेसी, इसकी एफिकेसी बड़ी अच्छी है. दूसरा साइड इफेक्ट. साइड इफेक्ट्स में भी उन्होंने डिक्लेयर किया है कि इवन आफ्टर सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन कोई सिवियर साइड इफेक्ट नहीं आया. तीसरी चीज उसकी कॉस्ट, क्योंकि इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर होगी इसकी कॉस्ट भी जो है वो कम रहेगी. और चौथी चीज है टेम्परेचर कंपेटेबिलिटी. ये टेम्परेचर जो है 2 से 8 डिग्री के ऊपर 6 महीने तक कंपेटेबल रहेगी. तो ये सारी चीजें लेते हुए हमारे देश के लिए बहुत अच्छी है. एक तरफ ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सिफारिश कर दी है, तो दूसरी ओर इसे मंजूरी मिलते ही देश भर में इसे पहुंचाने और लोगों को वैक्सीन दिए जाने की तैयारियां भी तेज हो गई है. देश भर में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं. कोरोना का कहर शुरू होते ही दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इसकी वैक्सीन बनाने का काम शुरू कर दिया था. आमतौर पर माना जाता है कि वैक्सीन बनाने में 5 से 10 साल तक लग जाते हैं, लेकिन कोरोना ने जिस तरह से कोहराम मचाया उसे देखते हुए वैज्ञानिकों ने रात दिन एक करके करीब 1 साल से भी कम समय में वैक्सीन तैयार कर दी. इसलिए अब इस बात की पूरी उम्मीद है कि 2021 में कोरोना पर नकेल कसी जा सकती है. अमित, आपके पास आते हुए क्योंकि 10:58 हो चुकी है, बस 2 मिनट बाकी, दिखाइए वहां की हलचल. देखिए इसमें एक थोड़ी सी और ताजा इंफॉर्मेशन ये है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का जो स्टेटमेंट जारी होगा अब से थोड़ी देर में, सारी तैयारियां हो चुकी हैं. वह सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में जारी होगा और कोई सवाल जवाब यहां पर नहीं लिए जाएंगे. आप देख सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी तैयारी यहां पर हो चुकी है और जितने भी आला अधिकारी हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार, PMO या सबकी इस वक्तव्य पर नज़र रहेगी. और जब ये इससे पहले के जो इवेंट हैं, क्योंकि 2-2 वैक्सीन्स को जो एक्सपर्ट कमेटी है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है, तो अब यहाँ पर इस वक्तव्य से हमें ये उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत बड़ी ये एक कुछ कोई ना कोई एक न्यूज़ कोरोना वैक्सीन को लेकर मिलेगी, पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी. जी जी ठीक है अमित, हम लौटेंगे आपके पास क्योंकि अभी कुछ ही देर में ये स्टेटमेंट जारी होगा और उसके लिए हम फिर से अमित के पास चलेंगे. लेकिन हमारे एक और सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जनक दवे अहमदाबाद से. जनक, जरा वहां के लोगों का रिएक्शन तो दिखाइए, क्योंकि जो वक्त देखा है उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि वैक्सीन को लेकर क्या ये सपना है और क्या कभी ऐसा हकीकत में भी तब्दील हो पाएगा. लेकिन आज जब कुछ ही फासला है फाइनल अप्रूवल को लेकर, तो क्या लग रहा है कि अब देश कोरोना मुक्त होगा, वो सपना साकार होने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए गायत्री, एक नया साल नई उम्मीद के साथ है और लोगों को भी उम्मीदें हैं कि इस बार कुछ, चूँकि पिछला साल जिस तरीके से मायूसी भरा रहा. सर है, सर आज ये बात करते हैं आपसे. सर, वैक्सीन की आज अनाउंसमेंट हो सकती है, आज सारी जो अथॉरिटी हैं वो उस पर अप्रूवल दे सकती है, क्या सोच बनती है आपकी? बतौर सीनियर सिटीजन भी हैं तो आप, वैक्सीन जब आ रही है ऐसे में क्या सोच है? इसमें अभी उम्मीद तो अच्छी है सबके लिए और डबल थॉट तो है वैसे, किसी को ऐसा लग रहा है कि हमें. नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की जो स्टेटमेंट है डॉक्टर PG सोमन, डायरेक्टर एक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की जो स्टेटमेंट है डॉक्टर PG सोमन, डायरेक्टर एक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. एक स्टेटमेंट देंगे वैक्सीन के बारे में, तो मैं अनुरोध करूंगा कि अपना स्टेटमेंट देंगे. गुड मॉर्निंग, द सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन मेट ऑन 1st and 2nd January 2021 and made recommendations in respect of proposal for restricted emergency approval of COVID-19 virus vaccine of Serum Institute of India and Messrs. Bharat Biotech, as well as phase 3 clinical trial of Messrs. Cadila Healthcare Limited.
The subject expert committee consists of domain knowledge experts from the field of pulmonology, immunology, microbiology, pharmacology, pediatrics, internal medicine, etc. Messrs. Serum Institute of India, Pune has presented a recombinant chimpanzee adenovirus vector Covishield encoding the SARS-CoV-2 spike S glycoprotein with technology transfer from AstraZeneca, Oxford University. The firm submitted safety, immunogenicity and efficacy data generated on 23,745 participants aged more than or equal to 18 years or older from overseas clinical studies. The overall vaccine efficacy was found to be 70.42%. Further, Messrs. Serum was granted permission to conduct phase 2/phase 3 clinical trial on 1,600 participants within the country. The firm also submitted the interim safety and immunogenicity data generated from this trial, and the data was found comparable with the data from overseas clinical studies. After detailed deliberations, subject expert committee has recommended for the grant of permission for restricted use in emergency situation subject to certain regulatory conditions. The clinical trial ongoing within the country by the firm will continue. Messrs. Bharat Biotech has developed a whole virion inactivated coronavirus vaccine named Covaxin in collaboration with ICMR and National Institute of Virology, Pune, from where they received the virus seed strains. This vaccine is developed on Virocell platform, which has well-established track record of safety and efficacy in the country and globally. The firm has generated safety and immunogenicity data in various animal species, such as mice, rats, rabbits, Syrian hamster, and also conducted challenge studies on non-human primates, rhesus macaques, and hamsters. All this data has been shared by the firm with CDSCO. Phase 1 and Phase 2 clinical trials were conducted in approximately 800 subjects, and results have demonstrated that the vaccine is safe and provides a robust immune response. The Phase 3 efficacy trial was initiated in India in 25,800 volunteers, and till date approximately 22,500 participants have been vaccinated across the country, and the vaccine has been found to be safe as per the data available till date. The subject expert committee has reviewed the data on safety and immunogenicity of the vaccine and recommended for grant of permission for restricted use in emergency situation in public interest as an abundant precaution in clinical trial mode to have more options for vaccinations, especially in case of infection by mutant strain. The clinical trial ongoing within the country by the firm will continue. The Cadila Healthcare Limited has developed a novel coronavirus 2019 nCoV vaccine using DNA platform. The firm initiated phase 1/phase 2 clinical trial in India in more than 1,000 participants, which is ongoing. The interim data suggests that the vaccine is safe and immunogenic with 3 doses when administered intradermally. Accordingly, firm has sought permission to conduct further phase 3 clinical trial in 26,000 Indian participants, which has been recommended by subject expert committee.
Messrs. Serum and Messrs. Bharat Biotech vaccines have to be administered in two doses. All the three vaccines have to be stored at 2 to 8 degree centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly, vaccines of Messrs. Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs. Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. Thank you. Thank you very much, sir. Friends, please just listen. This statement is being circulated to you. It is also getting uploaded on the PIB website. So please use it. Thank you very much. Statement is over. We can give you the separately. Abhi tak ready nahi hai hum pe statement jo hai Hindi mein. Please use it and we will provide you Hindi statement also. Thank you. तो DCGI की तरफ से मंजूरी दी गई है, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। आपको बता दें इंग्लिश में हालांकि स्टेटमेंट जारी किया गया, लेकिन कोरोना वैक्सीन को मिल गई है मंजूरी एक्सपर्ट कमिटी की तरफ से। किस तरीके से सिफारिश को लेकर तमाम चीजें रखी गई उसका जिक्र करते हुए हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपने तमाम बातों को सुना, जरा दर्शकों को भी बताइए, यानी मान लिया जाए कि मंजूरी मिल गई कोरोना वैक्सीन को। जी बिल्कुल, दो कंपनियों की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है इस्तेमाल के लिए, और ये है सीरम की और भारत बायोटेक की वैक्सीन को, और इनको इमरजेंसी अप्रूवल विशेष परिस्थितियों में इस्तेमाल के लिए अनुमति यहाँ पर मिली है। भारत की सर्वोच्च संस्था ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया की ओर से जारी इस बयान में अनुमति मिल गई है। भारत में अब दो वैक्सीन्स मिलेंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, इन दो वैक्सीन्स को दो डोजेस में दिया जाएगा। तीसरी चीज, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक इन वैक्सीन को इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। चौथी चीज, इन वैक्सीन का इमरजेंसी कंडीशंस में इस्तेमाल करने के लिए परमिशन दिया गया है। पांचवी चीज, विशिष्ट परिस्थितियों में और इनकी बराबर निगरानी की जाएगी इन वैक्सीन की जब ये दी जाएंगी। और छठी चीज की, तीसरी वैक्सीन है उसका भी 2 फेज का ट्रायल पूरा हो चुका है और 3रा फेज का ट्रायल है, इसकी अनुमति मिल गई है। मतलब कि कोरोना के खिलाफ जंग में अगर सबसे मजबूत प्रहार है वो आज देखा गया है। दो वैक्सीन को एक साथ भारत की इस सर्वोच्च संस्था ने मंजूरी दे दी है, और पहली बार भारत ने ये बकायदा एक पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस किया गया, सब बताया गया कि कैडिला ने किन नॉर्म्स को फॉलो किया जो तीसरे चरण की इनको मंजूरी मिली है, और भारत बायोटेक ने किस प्रक्रिया का पालन किया, और सीरम ने किस प्रक्रिया का पालन किया। सीरम ने 25,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स का 50,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट सीरम के जो ट्रायल थे उसमें किए गए, और उसके बाद अगर हम बात करें भारत बायोटेक 25,000 से ज़्यादा 800 से ज़्यादा वेरिएंट, मतलब कि अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों पे ये ट्रायल किए गए, और कैडिला का भी जो मापदंड है वो भी आकलन किया जा रहा है, और उसमें भी तरह तरह के लोगों के जो वैक्सीनेशन है उसमें फॉलो किया गया। सबसे अहम बात ये है कि जितने भी लोगों को ये दो वैक्सीन जो कि अप्रूव की गई है इनको मॉनिटर किया गया, और फिलहाल अभी पिछले 2 महीने के दौरान कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखे गए। एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, तय मापदंड होते हैं, उनका जिक्र सिलसिलेवार तरीके से ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने किया, और ये बताया कि भारत में कैसे किन परिस्थितियों के हिसाब से ये वैक्सीन तैयार हुई है। भारत बायोटेक के एक उन्होंने अलग पद्धति का इस्तेमाल किया, और उन्होंने डीएनए जीन टेस्टिंग की जो टेक्निक है वो इस्तेमाल किया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर वैक्सीन तो प्रक्रिया का सिलसिलेवार तरीके से किस तरीके से जिक्र करते हुए दोनों वैक्सीन को मंजूरी दी, और क्या कहा DCGI वीजी सोमानी ने, आइए सुनवाते हैं आपको। Messrs. Serum and Messrs. Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degree centigrade. After adequate examination,
The CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee and accordingly vaccines of Messrs. Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation and permission is being granted to Messrs. Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. तो मंजूरी मिल गई है कोविशील्ड को वैक्सीन दोनों वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है डीसीजीआई की तरफ से। हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मुंबई का रुख करते हुए दिवाकर आपके पास आते हुए क्योंकि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा संक्रमण झेल चुका है, सबसे ज्यादा समस्या वहीं पर हुई थी कोरोना को लेकर। इस सबके बीच कितनी बड़ी गुड न्यूज, दोनों वैक्सीन को मंजूरी। देखिए एक बेहद ही अहम दिन है देश के लिए और खासतौर पर महाराष्ट्र के लिए क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे दो ऐसे राज्य थे और पुणे सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो जिला था महाराष्ट्र का, जो कि खासतौर पर जो आईसीएमआर है उसने भी ये माना था कि जो पुणे है वो सबसे ज्यादा कोविड के पेशेंट वहां पाए गए थे। लेकिन अब जिस तरह से ये वैक्सीन मिली है देश को, तो सीरम और कोवैक्सीन जो है, ये दोनों वैक्सीन के आने के बाद जैसा कि डीजीसीआई ने बोला है कि अब इसे इमरजेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं, निगरानी में इस्तेमाल होगा। तो जाहिर तौर पर कुछ लोग हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। दो वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर इमरजेंसी केसेज में उसको इस्तेमाल किया भी जा सकता है। जी हाँ, इमरजेंसी केसेस में इस्तेमाल, जो अभी जो जिस तरह पेशेंट आ रहे हैं, जो अभी कुछ एडमिट हैं, उनको उनके लिए तो ये एक रामबाण की तरह है कि उनको मिलेगी तो वो खुशखबरी वाली बात है कि नहीं। बहुत खुशखबरी वाली बात है। हमें तो ये लग रहा है कि हम जैसे मार्च के पहले हम लोग जो अपना अपनी लाइफ लाइन जी रहे थे, अब वापिस हमें उम्मीद, पूरी उम्मीद है। आप बताइए, दो वैक्सीन मिल गई है, खुशखबरी, कितनी खुशी है ये देश के लिए? बहुत खुशखबरी है, जन सुविधा में हर्षोल्लास है। इसके लिए अगर जितना भी डीजीसीए का धन्यवाद दिया जाए कम है, क्योंकि अब सामान्य आदमी अपने नॉर्मल लाइफ जी सकता है। अब वो डर वाली बात नहीं रहेगी जो मार्च में हमारे अगले एक साल हमने उसका जो इंतजार किया ना, जो मार्च में डर था वो डर अब हमारा खत्म हो जाएगा। डर जो सबसे बड़ी वजह थी कोरोना के समय में लोगों के मन में था गायत्री, वो कहीं ना कहीं अब खत्म होता दिख रहा है। अब खत्म होता दिख रहा है और अब लोग खुलकर कहेंगे कि हाँ, अब मिलेगी कोरोना को मात। जावेद आपके पास आते हुए, ये कितनी बड़ी गुड न्यूज, दो दो वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। देखिए करीब 10 महीने से लोग इंतजार कर रहे थे जब से कोरोना चल रहा है और अब जब मंजूरी मिल गई है। लोग हमारे साथ हैं कनॉट प्लेस में, हमारी मौजूदगी है। बताइए, दो वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रही है सर, या और गवर्नमेंट की तरफ से ये होनी चाहिए। बहुत जो यहाँ के बंदे हैं वो चाहते हैं कि ये फ्री में ही होना चाहिए, फ्री में होना चाहिए। बताइए, अब कोरोना की दवाई आ गई है, आज मंजूरी सरकार ने दे दी है दो वैक्सीन को, कितनी खुशी है? बहुत खुशी, बहुत खुशी है। कितना बड़ा दिन मान रहे हैं आज, कोरोना की दवाई सामने आ रही है? ये सबसे बड़ा दिन है आज का। हाँ। ये समझो एक तरीके से दिवाली है। हाँ। इसलिए क्योंकि कोरोना की वैक्सीन, ईद है, दिवाली है, आज सारे त्योहार इसलिए हैं क्योंकि आज कोरोना की वैक्सीन, इतने लोग वैसे ही पीछे थे, मजदूरी में पले हुए, उसके बाद अब निकल कर आए। त्योहार की तरह ये दिन ये देख रहे हैं आप। बताइए कि कितना बड़ा दिन है आपके लिए? आप ठीक है, जावेद लौटेंगे आपके पास। अमित, अमित कुछ और जानकारी दे रहे हैं। अमित आपके पास आते हो। अमित देखिए, अभी इनका, इनको परमिशन मिली है, हम ये मान सकते हैं कि एक से दो दिन में इनको जो वैक्सीनेशन, जो वैक्सीनेशन सेंटर्स में पहुंचाने की प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाएगा और इसके लिए जो आधिकारिक आदेश है वो यहाँ पर शुरू होंगे। और आज की जो वक्तव्य का है, सीधा तौर पर मतलब ये है कि आधिकारिक रूप से भारत की ओर से वैज्ञानिक पद्धति पर सारे मापदंडों को पालन करते हुए भारत की परिस्थितियों के हिसाब से इस वैक्सीन के इस्तेमाल का इमरजेंसी कंडीशन में अप्रूवल दिया गया है। क्यों इमरजेंसी कंडीशन है? इसलिए इमरजेंसी कंडीशन में कि भारत में 1 करोड़ से भी ज्यादा यहां पर लोग संक्रमित हो चुके हैं, संक्रमण की दर यहां पर फैल रही है, इसलिए एक ये प्रोविजन होता है। ऐसा नहीं है कि भारत ने आपाधापी में इस वैक्सीन को अप्रूवल दिया है। एक वैक्सीन, जो पूरी टर्मिनोलॉजी होती है वैक्सीनेशन प्रोसेस में, टीकाकरण अभियान होता है, WHO ने जिसका निर्धारण किया उसके मुताबिक इमरजेंसी कंडीशन में जब महामारी का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो तो तमाम जो तय मापदंड होते हैं उनका पालन करते हुए इनको अप्रूवल दिया गया। जितनी भी देश अभी तक हमने देखा है पिछले 2-3 महीने उसके दौरान जिन्होंने वैक्सीन की बात की है, चाहे चीन हो, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे और कोई देश हो, उन्होंने सिर्फ एक वैक्सीन की बात की और आज यहां पर भारत ने 3 वैक्सीन की बात की है। और जहां पर वैक्सीनेशन होगा वहां पर पहुंचाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। अमित लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जनक आपके पास आते हुए, ये कितनी बड़ी खुशखबरी है, दो दो वैक्सीन को मंजूरी।
बिल्कुल गायत्री, हम पहले भी बात कर रहे थे और एक सीनियर सिटीजन हमारे साथ है सर, उस ग्रुप में भी होंगे जिसमें आप सीनियर सिटीजन ग्रुप में आते हैं, वैक्सीन को अनुमति मिल गई है, अब कभी भी ये वैक्सीन शुरू हो सकती है, पहली प्रतिक्रिया आपकी? मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया और उत्तम उन्होंने जो एक्टिविटी चालू की है, और होपफुली जैसे वो लोग भी बता रहे हैं 90% रिकवरी हो जाएगी, हम लोग भी क्वाइट होपफुल है, रजिस्ट्रेशन करवाया है तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, और कभी बोलते हैं कि ट्रायल बेसिस पे कोई हर्ज नहीं है हमें, लेकिन करवाना जरूरी है। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं सर आपसे बात करेंगे, वैक्सीन को अनुमति मिल गई है, एक बड़ा दिन मान सकते हैं आप? हाँ, बहुत बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, क्योंकि वैक्सीन को अनुमति आने से बहुत सारे लोगों को बहुत राहत हो जाएगी, जो मन में एक डर लेके चलते उसे हो जाएगा कि नहीं अब हम कोरोना के साथ जीत सकते हैं। बिल्कुल सर, पिछला साल 2020 का जिस तरीके से रहा, 21 में पहले आते ही पहले सप्ताह में एक बड़ी चुनौती देंगे और हरा कर रहेंगे कोरोना को? एक्चुअली जो भी अभी ये गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिए है वो बहुत बढ़िया स्टेप लिए है, और जो साइंटिस्ट ने जो भी पास एक साल में जो भी काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है, और ये आज की जो खबर है वो बहुत ही बेहतरीन खबर है देशवासियों के लिए, और इसमें सबको जो जो भी इम्यूनिटी और जो भी अपना बूस्टर मिलेगा और जो वैक्सीनेशन मिलेगी उससे फ़ायदा मिलेगा सबको। बिल्कुल, तो गायत्री जिस तरीके से अहमदाबाद को लोगों को सुन रहे हैं, चूँकि जाइडस भी एक है जो जैसा तीसरा ट्रायल का जो ट्रायल है वो अभी शुरू होगा, तो वो भी अगले एक या दो महीने में वैक्सीन हो जाएगी, तो जिस तरीके से अमित बता रहे थे कि शायद भारत एक लौता देश होगा जहाँ पर तीन तीन वैक्सीन उपलब्ध होगी, तो ऐसे में एक बड़ी उपलब्धि, नया साल दोनों वैक्सीन को मंजूरी, लौटेंगे जनक आपके पास। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के मुताबिक दोनों वैक्सीन ट्रायल में पूरी तरीके से सुरक्षित पाई गई हैं। द सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन मेट ऑन 1st and 2nd January 2021 एंड मेड रिकमेंडेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रपोजल फॉर रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी अप्रूवल ऑफ COVID-19 वायरस वैक्सीन ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड मेसर्स भारत बायोटेक एज वेल एज फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल ऑफ मेसर्स कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड। द सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी कंसिस्ट ऑफ डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ पल्मोनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, इंटरनल मेडिसिन एटसेट्रा। मनोज, आपके पास आते हुए ये कितनी बड़ी खुशखबरी है, आज तीसरा दिन नए साल का और दोनों वैक्सीन को मंजूरी। गायत्री, हम जिन लोगों को अभी पहले बात कर रहे थे और जिनसे कह रहे थे कि वैक्सीन आने वाली है, अब उनको ये खुशखबरी, वो खुद भी लगातार इस समाचार को न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे थे, अब मैं उन्हीं से पूछता हूँ, अब दो वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है आपको नए साल में, अभी आप बड़े ध्यान से सुन रहे थे इस बात को? हाँ जी, मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी खुशखबरी है, और हमारे देशवासियों के लिए भी खुशखबरी, हमारे परिवार के लिए भी खुशखबरी है कि इस जो वायरस से छुटकारा मिले किसी तरह, और जो समस्या है वो भी हल होए। आप घर से आज बाहर निकले, बकायदा मास्क लगा के निकले हुए हैं, लेकिन आपके जब घर से आप चले थे तब मंजूरी नहीं मिली थी, और जब आप शॉप तक आए तो अब दो वैक्सीन को मंजूरी भारत में मिल गई है कोरोना की। हाँ, मिल गई, सही बात है, मिलना भी चाहिए थी। तो आप कैसे, आपके लिए कैसी, कितनी बड़ी खुशखबरी? नहीं, बहुत बड़ी खुशखबरी है भारत के लिए, देश के लिए, सभी के लिए, पूरे पब्लिक के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 10 महीने सर आपसे बात करना चाहूँगा, ये 10 महीने तक जो इंतज़ार था लंबा, आप तो लगातार यहाँ शॉप पे आते हैं, उसके बाद दो वैक्सीन अब आपके सामने होना, इससे बहुत अच्छा कारण है, हम सब लोग यानी भोपाल का पूरा हम घूम सकेंगे, यानी इसके कारण हम कहीं जा पाएंगे, इससे लॉकडाउन पूरा खुला रहेगा, इससे सबको अच्छा रहेगा। एक जो गायत्री देखिए कितना एक जो भय, जो खौफ होता है कि घर से बाहर निकलने का खौफ, वो खौफ लोगों को लगता है कि हाँ एक बार जब वैक्सीन अब बाजार में जब होगी तो उनका वो खौफ, उनका वो डर। मनोज, लौटेंगे आपके पास उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, इस वक्त हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन सबके बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दो वैक्सीन कोविशील्ड को वैक्सीन दोनों को मंजूरी दे दी गई है, और इस सबके बीच आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है, और उन्होंने पीएम मोदी ने दिए देश को बधाई, दोनों वैक्सीन देश को मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश को बधाई दी गई है। 100 साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो
जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन सर लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। थैंक यू ये कहा जा रहा है ठीक सर बकवास है सर 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 वन मिनट सर फॉर ए नाइन सर तो ये विजय सुमानी को आप सुन रहे थे। लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी देश को बधाई दी गई है। दो वैक्सीन देश को मिल गई हैं। और इस सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को तो बधाई दी ही वैक्सीन की मंजूरी पर, साथ ही उन्होंने देश के वैज्ञानिकों को भी दी बधाई और कहा कि हमारे वैज्ञानिकों को बधाई। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना से जंग में अब कामयाबी है। पीएम मोदी की देश को बधाई इस सबके बीच, जहां एक तरफ वैज्ञानिकों की मेहनत को भी उन्होंने सराहा और साफ तौर पर कहा कि देश के वैज्ञानिक भी बधाई के पात्र हैं, देश के वैज्ञानिकों को भी बधाई। और साथ ही उन्होंने इस बात का भी भरोसा जताया कि अब कोरोना के साथ जंग में कामयाबी मिलेगी, कोरोना से जंग में कामयाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बाकायदा ट्वीट किया गया है और ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दी है बधाई। अब से थोड़ी देर पहले डीसीजीआई की तरफ से दोनों वैक्सीन को मंजूरी दी गई है, कोविशील्ड कोवैक्सीन यानी रिस्ट्रिक्टेड इस्तेमाल की मंजूरी उनको दी गई, इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी देश को दी गई है बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बधाई देते हुए कहा कि वैज्ञानिकों को भी बधाई, हमारे वैज्ञानिकों को भी बधाई। और साथ ही उनकी तरफ से यह भरोसा भी जताया गया कि अब कोरोना से जंग में कामयाबी मिलना निश्चित है। तो आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम। दरअसल इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है क्योंकि जो दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन, वो भारत बायोटेक द्वारा उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है और इस सबके बीच वो स्वदेशी वैक्सीन है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और उसकी तरफ ये एक कदम। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना से जंग में कामयाबी, इस बात का भरोसा जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत की ओर ये एक कदम है। तो लगातार जिस बात का, जिस पल का इंतजार हो रहा था, अब वो सपना साकार होता हुआ दिख रहा है क्योंकि दो वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है डीसीजीआई की तरफ से। और इस सबके बीच देश के प्रधानमंत्री ने भी देश को बधाई दी। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि हम इस जंग में जीत कर रहेंगे और इसके लिए सबके सहयोग की जरूरत है। इस सबके बीच दो वैक्सीन देश को मिली है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है देशवासियों के लिए। लगातार हम तमाम लोगों का रिएक्शन भी लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया और ट्वीट कर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हमारे वैज्ञानिकों को बधाई। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी भरोसा जताया कि कोरोना से जंग में कामयाबी मिलेगी और कहा कि आत्मनिर्भर भारत की ओर यह कदम क्योंकि दो वैक्सीन जिनमें से कोवैक्सीन है वो स्वदेशी वैक्सीन है जिसको भी दी गई है मंजूरी। आइए आपको दिखाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा क्या है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि हमारे वैज्ञानिकों को बधाई और साथ ही देश को बधाई दी है। अमित हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमित, प्रधानमंत्री की तरफ से भी देश को बधाई दी गई और कहा कि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, उसकी ओर ये कदम क्योंकि एक वैक्सीन स्वदेशी भी है। जी बिल्कुल, पीएम की ओर से बहुत बड़ा ये संदेश है क्योंकि जब से पूरी की पूरी कोरोना की जो दिक्कत शुरू हुई थी, वैज्ञानिकों ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काम करना शुरू कर दिया था। स्वदेशी निर्मित वैक्सीन एक अलग पद्धति से, डीएनए एनालिसिस पैटर्न के पद्धति से ये वैक्सीन विकसित की गई है और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अलग अलग तरीके के पार्टिसिपेंट्स हैं और एक तरीके से 3-4 महीने तक आकलन का दौर इसमें देखा गया था। पहले चरण की मंजूरी मिली, दूसरे चरण की मंजूरी मिली, तीसरे चरण की मंजूरी मिली और भारत की परिस्थितियों के मुताबिक कि भारत में किस तरीके के लोगों के बीच में यह रोग विकसित हो रहा है। और इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से यह वैक्सीन डेवलप हुई है, तो बहुत अहम चीज है। अब जब दूसरी वैक्सीन की बात करें तो सीरम इंडिया की वैश्विक मापदंड पर अलग अलग देशों में वैक्सीन डेवलप की जा रही थी और इसके मुताबिक सीरम इंडिया ने भी काम करना शुरू किया और ये वैक्सीन अगर यहाँ पर लॉन्च होगी भारत में तो बाहर के देशों में भी लॉन्च होगी। एक और आत्मनिर्भर भारत की तरफ भारत का कदम बढ़ा है और भारत के वैज्ञानिकों ने अपनी धाक जताई है। दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर एक वैक्सीन किस तरीके से भारत में डेवलप हुई है और कैसे आने वाले दिनों में काम
करेगी, ये एक उसका जीता जागता उदाहरण है। इसके अलावा तीसरी जो वैक्सीन है वो भी उसके भी तीसरे चरण में उसका ट्रायल शुरू हो गया है। तो भारत बिल्कुल तो देश कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है कोरोना के खिलाफ जंग में। अमित लौटेंगे आपके पास, लोगों के रिएक्शन भी ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, वहां लोगों का क्या रिएक्शन? गायत्री, 2021 का आगाज होते ही भारत को कई बड़ी खुशियां मिली हैं। जहां पहले ही तारीख को भारत में पहली वैक्सीन के ईजाद होने का ऐलान किया गया, वहीं आज भारत की दो वैक्सीनों को मंजूरी मिल गई है। लोगों से बात करेंगे हमारे साथ। आज सर, देश में दो वैक्सीनों को अनुमति दी गई है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, किस तरह महसूस करते हैं, किस तरह? बस आज ही मैंने पेपर से पढ़ा था कि ये योगी जी का तो है स्टेटमेंट आया था कि 14 से तो है कोविड-19 का तो है जो वैक्सीन है वो आम लोगों के लिए दी जाएगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं कहा सर, जो बुज़ुर्ग हैं उनको और जो कोविड से तो है झेल रहे हैं उनको तो है पहले दिया जाएगा, फिर उसके बाद आम आदमी के लिए। तो बहुत अच्छा मुझे लगा सुन के पहले, और देन उसके बाद मुझे तो है अप्रिशिएट करता हूँ आज की सरकार को कि उन्होंने इतनी जल्दी और इतनी अच्छी तरह से तो उन्होंने तो इसको हम लोग को संभाला और उस पर लड़ने की हम लोग को हिम्मत दी, और इतनी जल्दी ही उन्होंने वैक्सीन की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी वैक्सीन हम इंडिया वाले तो है कर रहेंगे, मगर बहुत अच्छा लग गया। मुझे अप्रिशिएट करता हूँ योगी जी, आपने बहुत अच्छा काम किया, और मोदी जी वेल डन, आप अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ग्रेट। तो गायत्री, जैसा कि आपने सुना लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी भारत वैक्सीन ईजाद करेगा, ऐसे में हमारे मैम मौजूद हैं। मैम, जिस तरह से लोगों ने झेला 10 माह उसके बाद अब वैक्सीन आ रही है, तो किस तरह लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि वैक्सीन आ जाए। तो जैसा कि आपने सुना कि लोगों का कहना है कि उनको उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी भारत में वैक्सीन का ईजाद होगा और लोग बात करेंगे, तो ऐसे में और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि सर, आज देश में वैक्सीन ईजाद हुई, दो वैक्सीनों को अनुमति मिल गई, किस तरह आपको लगता है? जी, वैक्सीन एक बार आप रिपीट कर सकते हैं? कोरोना वैक्सीन, दो कोरोना वैक्सीन को भारत में अनुमति मिल गई है जो भारत में बनी है, किस तरह आपको लगता है? सर, लेकिन आज के जैसे मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था तो उसमें अभी ये था कि कुछ खामियां उसमें हैं अभी भी, लेकिन अगर अच्छा रहा तो काफ़ी अच्छा रहेगा सभी के लिए, और फिर से एक बार हम लोग आपस में गैदरिंग वगैरह सब कुछ हो सकेगी। तो जैसे कि गैदरिंग हमने देखा कि जो एक लंबा समय रहा है, करीब 10 माह तक लोगों ने जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया, उसके बाद जो ये वैक्सीन को भारत में अनुमति आज मिली है उसको लेकर आम लोग खासा खुश नज़र आ रहे हैं, और वो योगी मोदी सरकार के साथ ही साथ उन वैज्ञानिकों को भी बधाई देना दे रहे हैं और उनके प्रति भी आभार जताते हैं जिन्होंने वैक्सीन तैयार की है। जावेद, आपके पास आते हुए इसी पल का तो इंतजार था। बिल्कुल, इसी पल का सब लोगों को इंतजार था कि जो परेशानियां लोगों ने झेली हैं अब वो वक्त आ गया है जब वैक्सीन उनके इस्तेमाल में आ सकेगी और इस बीमारी से निजात मिल सकेगी। कनॉट प्लेस में हमारे साथ कुछ लोग हैं। पहले तो आप मास्क लगाइए, अभी वैक्सीन की सिर्फ मंजूरी मिली है, कितनी खुशी है आपको? नहीं, मुझे इसके लिए बहुत खुशी है जी। लेकिन जिसका इंतजार था हम लोगों को, सभी देशवासियों को, लगभग 10 महीने से पटाजी एक त्योहार का एक मौका है, लेकिन सबसे बड़ा आप बताइए, आप कितनी बड़ी खुशी है? ये तो बहुत सारी बड़ी खुशी है सर। अच्छा जी, ये सब आने से हम क्या, पूरी जनता खुश है वैक्सीन आने से। लेकिन पूरी जनता खुश है और भी लोग हैं, आज वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, दो वैक्सीन जो है वो आ रही है, और सबसे बड़ी बात एक स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी मिली है जो हमने खुद बनाई है, कितना प्राउड फील कर रहे हैं? सर, प्राउड तो फील करेंगे, अपने देश में बनी है ये चीज तो, ठीक है। अच्छा, और उसके साथ सर ये वैक्सीन काम भी करनी चाहिए, काम भी करनी चाहिए। बताइए, अब वैक्सीन आ गई है, अब कितनी खुशी हो रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत बढ़िया, खुशी की बात है, मतलब होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पैसे की मतलब सवाल नहीं होनी चाहिए, फ्री में मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में देना चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से हमारे देश में पोलियो का टीका लगता है 5 साल तक के लिए बच्चों को, ये वैक्सीन का भी उसी तरीके से लगना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। लौटेंगे आपके पास, यानी आप एक और उम्मीद लोगों की तरफ से लगाई जा रही है। हम लौटेंगे आपके पास, ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बधाई दी है दोनों वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद, बाकायदा उनकी तरफ से ट्वीट किया गया, और ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या लिखा आइए आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, दो वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद पीएम मोदी ने बधाई देते हुए ट्वीट किया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि कोरोना से जंग में निर्णायक मोड़, डीसीजीआई ने कोरोना मुक्त देश के लिए दो वैक्सीन को मंजूरी दी है। हम डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मचारियों, वैज्ञानिकों, पुलिस कर्मियों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं और सभी कोरोना योद्धाओं को किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए अपना आभार दोहराते हैं, वो भी विपरीत परिस्थितियों में,
हम कई लोगों की जान बचाने के लिए उनके प्रति सदा आभारी रहेंगे। तो ये फौरन बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर वैक्सीन को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ाया गया कदम बताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि हर भारतीय को गर्व होगा कि जिन दो टीकों को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है वो भारत में बने हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों की लगन को दर्शाता है, जिसके मूल में देखभाल और करुणा है। तो ये ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। दिवाकर, आपके पास आते हुए, क्योंकि हमने देखा कोरोना के संकट काल में हर छोटी छोटी बात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी खुद आगे आते रहे और भरोसा देते रहे, और आज उस भरोसे की जीत में ये पहला कदम, किस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं? जो महाराष्ट्र में स्थिति थी और खासतौर पर मुंबई में जो स्थिति थी, मुंबई कभी थमती नहीं है, मुंबई की ये पहचान है, लेकिन जिस तरह से पूरे लॉकडाउन के दौरान सन्नाटा देखने को मिला था, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, लोगों के मन में कोरोना को लेकर जो डर पैदा हो गया था, आज वो कहीं ना कहीं दूर हुआ होगा क्योंकि दो वैक्सीन देश को मिल चुकी है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जाना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने भी खुशी जताई है, कहा है कि देश अब आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि जो वैक्सीन बनी है उसमें से एक भारत में बनाई गई है। तो महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप लोगों के मन में क्या है फिलहाल, अभी क्या आज दिवाली, सचमुच दिवाली है? जी, बहुत ही खुशी और हर्ष हो रहा है आज की, जो है जिस तरह की, और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि एक वैक्सीन हमारे देश में ही बनाई गई है। इसको लेके थोड़ी सी खुशी जाहिर हो रही है कि अब स्कूल और अदर चीज़ें जो है सामान्य रूप से चालू हो जाएंगी। हम जो अभी जिस तरह जी रहे हैं कि कहीं ना कहीं डर है कोविड को लेके, उससे छुटकारा मिल जाएगा। गर्व महसूस हो रहा है आज की वैक्सीन मिल गई है, जो मन में डर था वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो रहा है। हाँ, खत्म हो रहा है और अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है वो भी अभी, और खुशी की लहर है दिवाली जैसा मौसम। आप बताइए सर, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी खुशी जताई है और कहा है कि जो कोरोना के साथ हमारी लड़ाई थी, अब कहीं ना कहीं हम उसमें जीतते दिख रहे हैं, दो वैक्सीन हमको मिल गई है। जी, बहुत बहुत ही खुशी है, प्रधानमंत्री जी ने भी उसको खुशी जाहिर की है, और ये बहुत बड़ी बात है कि एक वैक्सीन हमारे देश में बनी है। अब जिंदगियां डर के साए से बाहर निकल कर सामान्य जिंदगियां जिएंगी। मुंबई बिल्कुल थम गई थी। बिल्कुल, मुंबई थम गई थी, मुंबई की रफ्तार थम गई थी, विश्व में जाहिर है कि मुंबई की भी थमती नहीं, लेकिन इस कोरोना काल में उन्होंने मुंबई को भी थाम दिया था, लेकिन अब जिंदगियां सामान्य होंगी और इससे जिंदगियां उभर जाएंगी। देखिए, जाहिर तौर पर जो वक्त लोगों ने देखा पिछले 10 महीनों में गायत्री, खासतौर पर मुंबई ने जो वक्त देखा, आर्थिक राजधानी है, सबसे ज्यादा टैक्स जो है देश को अब मुंबई से मिलता है, वहां पर जो कई सारे व्यापार हैं वो ठप पड़ गए थे, लेकिन अब जिस तरह से वैक्सीन मिल गई है उसको देखते हुए मुंबईकरों के मन में जो डर था वो कहीं ना कहीं अब खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि वैक्सीन जब लगना शुरू होगी, जब सरकार जो है इसको लगाना शुरू करेगी, तब लोगों के मन में जो थोड़ा बहुत डर बना रहता रहेगा वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा। यही भरोसा है, इस भरोसे की जीत में कितना बड़ा कदम, कितनी बड़ी खुशी, जरा कुछ और लोगों से बात कीजिए। जनक, बिल्कुल गायत्री, देखिए जिस तरीके से हमने मुंबई में सुना कि पूरी मुंबई थम गई थी, यही हालत अहमदाबाद की थी। अहमदाबाद में भी जिस तरीके से शुरुआती दिनों में संक्रमण बढ़ा, लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई। सर, आपसे बात करेंगे, 10 महीने घर में गुजारने पड़े, अंदर लॉक जैसे लॉकडाउन की तरह, अब वैक्सीन आने पर कितना इससे सुकून मिलेगा, कितनी राहत मिलेगी? सबको बढ़िया ही हो जाएगा, एक दफ़े सब लोग क्योर हो जाएंगे तो बाकी कोई इशू नहीं। अभी आज हम भी वर्किंग फ्रॉम होम ही है, तो एटलीस्ट बाद में हम ऑफिस जाने की डेयरिंग कर सकते हैं, वैक्सीन ले ली होगी तो शायद हमें वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम बाहर अभी निकल सकते हैं। बिल्कुल सर, ये एक वैक्सीन स्वदेशी भी है, इसको किस तरीके से देखते हैं? एक्चुअली स्वदेशी होकर हमको बहुत गर्व अनुभव होता है, और हमको ऐसे देखना चाहिए कि अगर फाइजर का वैक्सीन अभी आया है जस्ट 1 मंथ पहले, और हम भी अब इस ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हैं, तो बहुत गर्व की अनुभूति होती है। और एज ए इंडिया हमने बहुत ही अच्छा काम किया है कोरोना में, और हमारी सभी कंपनियाँ बहुत अच्छा काम कर रही, और शायद आने वाले 1-2 महीने में हमारे पास शायद 4 से 5 ऑप्शन रहेंगे वैक्सीन के, और वो सभी का एफिकेसी और एक्यूरेसी अराउंड 80-90% बोल रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत सुकून की बात है और बहुत गर्व लेने की बात है। और हमारा जिस तरह से हमारा पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है और वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हम वैक्सीन में कर सकते हैं, तो हम हमारे लोगों को तो ठीक है, हम पूरे विश्व को वैक्सीन दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक और संक्षिप्त में गायत्री में इनका रिएक्शन ले लूँगा। सर, जिस तरीके से दूरियाँ रही, डिस्टेंस रहे, सोशल डिस्टेंसिंग, ये नज़दीक लाने का काम करेगी, वैक्सीन आ जाती है तो लोगों को हाँ वो 100% रहेगी, क्योंकि 2020 सबको पता ही है बहुत बुरा सबके लिए गया है और बहुत दिक्कतें आई थी 2020 में, तो ये नई वैक्सीन जो अभी हमको ऑप्शंस मिल रहे हैं उसे
कनेक्ट अच्छा रहेगा और सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल, देखिए गायत्री, लोग काफ़ी पॉजिटिव हैं और बस उम्मीद कर रहे हैं, उसमें एक सीनियर सिटीजन भी है तो उनको उम्मीद है कि वे उस ग्रुप में वो होंगे, जरूर उनको ये वैक्सीन भी मिलेगी और साथ में बाकी भी युवा हैं, यानी एक बड़ा इंतजार तो खत्म हुआ दोनों वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद। आप सभी लोग लगातार बने रहिए, लौटेंगे आपके पास और लोगों से भी बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच ये भी बता दें, कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।